सभी भाइयों मेरा जो हिंद और वंदे मातरम, आज के वीडियो बहुत ही ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो भी आपके कमेंट है जरूर बता देना, और आपका टाइमिंग भी क्या रहा है वो जरूर बता देना। अलवर और अजमेर की सेनापति की कंफर्म नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ आज का वीडियो में, पूरी जानकारी बताऊंगा जो क्या कंफर्म है या नहीं है। अलवर और दूसरी जो अपना अजमेर सेनापति कंफर्म है, सेनापति के लिए आप तैयारी कंटिन्यू रखें, और जो बंदों का जो नोटिफिकेशन आ रहा है कि जो हमारी सेनापति कंफर्म है या नहीं है, तो आज का इस वीडियो में कंप्लीट बता दूंगा जो आ रही है भर्ती का इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को जितना उसको फॉलोअर करना चाहिए हर दोस्त तक, एक जो एक चेहरे पर इस्तेमाल आ सके। दूसरी चीज़, सेनापति के लिए जो बंदे तैयारी नहीं कर रहे हैं वो तैयारी कर सके, जिन बंदों के जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जो कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उनका एक सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जी हाँ, आपके लिए जो एक मैंने डॉक्यूमेंट का वीडियो कंप्लीट कर दिया, जिन बंदों का डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो कर दे, दोनों आरओ के अलवर और दूसरे जो अजमेर वाले, ध्यान रखें कि जो दोनों का डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। सेना भर्ती का अनाउंसमेंट किसी भी वक्त हो सकता है, दोनों की भर्ती जो कंफर्म है, तो इसके लिए आप रेडी रहें, दोनों जो डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखें। जो वीडियो मैंने आपको आज प्रोवाइड कराया है देख ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख लेना, डॉक्यूमेंट आपके सारे उसमें बता रखे मैंने, तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखिए, जल्दी जाइए और देख लेना, और जो जो बता रहा हूँ एक बार कंप्लीट देख लेना, जो जानकारी बता रहा हूँ एक सही से समझ देना। जितना उसको वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में कोई भी दिक्कत है तो बता देना, और आपका टाइमिंग क्या आ रहा है जरूर बताना मुझे। ओके, सो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ कंफर्म कर देना कि जो ये एक चीज़ ऑफिशियली है। अब जो बताने वाला हूँ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी की जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी जो इस पर जानकारी प्रोवाइड करा रखी है कि जो जो अपनी इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली 2021 की है, इसमें जो बता रखा है कि 10वीं और 12वीं पास के लिए सेना भर्ती में एक शानदार मौका निकाला है। देश भर में शुरू हो रही है सेना भर्तियाँ, तो आपके 21 तारीख की आज की, और जो आपको टाइमिंग आपको देखने को मिलेगा 5:37, अभी हो रहे हैं कुछ एक घंटे पहले की ये न्यूज़ है, ठीक है। इसमें जानकारी यहाँ पर जस्ट नीचे बता रखी है, सेना भर्ती के बारे में पूरा जानकारी बता रखी है। 20 जून से 3 अगस्त तक जो भर्ती होने वाली है, जो आपके विशाखापट्टन वहाँ के जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, इसका भर्ती का प्रोसेस रहेगा, पर अपना जो अपना राजस्थान है उनके बता दूँगा मैं आपको, ठीक है। और गुजरात वाले उनके भी बता रखा कि गुजरात की भर्ती के बारे में इन्होंने डाला है, लेकिन अपना राजस्थान के लिए बता दूँ आपको, राजस्थान में जो अलवर में जो भर्ती शुरू हो जाएगी, इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से जो आपके राजस्थान के जो अलवर में भी ये जो भर्ती का आयोजन किया जाएगा, यानी इसके जो बहुत ज़्यादा जो जल्दी है हमने अलवर वालों के लिए जो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है, किसी भी वक्त कोई भी नोटिफिकेशन आ सकता है। अजमेर वालों को जो एक चीज़ बता दूँ, जो बंदे स्पेशली कन्फर्म नहीं हो पा रहे थे उनके लिए बता दूँ, अजमेर में सेना भर्ती होगी, इसमें जो सेना भर्ती की तरफ से अजमेर आरोल में करवाई जाएगी रैली, और इसके जो आयोजन भी कर दिया गया है कि आपकी 11 जुलाई से आपके जो चलने वाली है, तो जिन बंदों ने अपना तैयारी में नहीं जुटे हैं तो जुड़ जाएं, ये एक ऑफिशियली न्यूज़ है, ऑफिशियली चीज़ है, ऑफिशियली चीज़ मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ, आपको इस चीज़ का आपको पता होगा, जो आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ एकदम करेक्ट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, और दूसरी अपनी जो तैयारी कर रहे हो आप उसमें ध्यान दें। जो बंदे आपको बोल रहे हैं कि फेक चीज़ है वो चीज़ है, इन चीज़ों पर ध्यान मत दें, अपना टारगेट अचीव करने के लिए आप मेहनत करें, जिधर से मेहनत करें। दूसरा, जो अपना तारीख हारीख सब चीज़ें कन्फर्म है, अपनी जो अजमेर वाले और अलवर वाले ध्यान दें कि जो सेना भर्ती कन्फर्म है, आप दूसरे की किसी और बेखबर के चक्कर में न पड़े, क्योंकि सेना भर्ती कन्फर्म है, आप इसके लिए जो तैयारी जी जान लगा के मेहनत करें, जिससे आप अच्छा रिजल्ट ले पाओगे, क्योंकि 2020 का कोटा खाली भाई मेरे, और दूसरा जो अभी 2021 का आधा कोटा भी निकल चुका है, तो दोनों जो वैकेंसी लगभग फुल रहेगी, तो इस बार शायद आप हो सकते हो, तो इस बार जो आराम से वर्दी पहन दोगे और अच्छे से कामयाब हो सकोगे। जो बंदे इस पर तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा तैयारी करें और अच्छे से लगन मेहनत करें, अभी टाइम है आपके पास में, थोड़ा बहुत टाइम रहा है उसमें भी अपना मेहनत करोगे, सही से मेहनत करोगे तो कामयाबी मिल जाएगी आपको, ठीक है। सभी को मेरा ऑल द बेस्ट, और अपना टाइमिंग क्या आ रहा है जरूर बता देना। दूसरी चीज़, जिन बंदों ने जो कुछ मोटिवेट नहीं हो पाते हैं या कुछ और भी चीज़, या जो अपना सूज नहीं है आपके पास में, अच्छे सूज नहीं है, तो ब्रांडेड सूजों के लिए भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, इस बुक में आप जाके चेकआउट करो, अच्छे सूज हैं, अच्छे ब्रांडेड हैं, जो अपने सिक्का कंपनी के हैं, जाके बाय कर दो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है, जाके चेकआउट करो, और डॉक्यूमेंट का वीडियो देख लेना, अभी मैंने जस्ट अपलोड किया है देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपका रेडी रहना चाहिए, किसी भी वक्त कोई भी नोटिफिकेशन आ सकता है, और सेना भर्ती किसी भी वक्त भी आ सकती है। तो इन दोस्तों को आपको कहना चाहूँगा कि आपका जो एडमिट कार्ड की रिकॉर्डिंग जो भी सवाल है आपको बहुत जल्द मिलेंगे, जो एडमिट कार्ड आपको बहुत जल्द आएगा तो आपको तुरंत सेना भर्ती के बारे में जानकारी मिल जाएगी। किसी भी वक्त जो अलवर का कोई भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आपके इसके लिए तैयारी रहें और कंटिन्यू तैयारी करते रहें। अजमेर वाले ध्यान दें कि अपने सेना भर्ती कन्फर्म है, 11 जुलाई से भर्ती होने वाली है, तो इसके लिए भी मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग खुद करने वाला हूँ अलवर और जो अपना अजमेर है इसके लिए, ठीक है। बहुत जल्दी मैं आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला हूँ, ग्राउंड में जाने वाला हूँ, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, सारे डाउट मैं वहाँ पर क्लियर कर दूँगा, कितना मीटर का है, कैसे क्या, कितने बंदे पकड़े जा रहे हैं, या जो कौन बंदे रिजेक्ट हो रहे हैं, क्या है, सब चीज़ वो आपको कवर करूँगा, सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जितना जो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में कोई भी दिक्कत है मुझे बता देना, जिससे मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी मदद चाहिए, किसी भी जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, मेरे व्हाट्सएप में आपको डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, जाके आप तुरंत मैसेज कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। सभी को मेरा जय हिंद और सभी को मेरा ऑल द बेस्ट। जितना उसके अपने जो मेहनत करें और तैयारी पर ध्यान दें, ज़्यादा फोकस करना, जिससे आपको इसी बारे जो सेना भर्ती में शामिल हो उसको और वर्दी पहन सको। सभी को मेरा ऑल द बेस्ट।